हेलो एवरीवन एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप घर पे बैठे गोल्ड फेशियल कैसे कर सकते हैं। ये चार स्टेप्स बहुत ही इजी हैं जो आप घर पे इजीली फॉलो कर सकते हैं एंड सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, इसलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉटन पैड एंड रॉ मिल्क। हम रॉ मिल्क ही यूज़ करेंगे क्योंकि एक अमेजिंग क्लेंजर है एंड हमारे जो क्लॉक्ड पोर्स है उसमें से डर्ट अच्छे से निकाल देता है। तो यूजिंग अ कॉटन पैड मैं इसे डिप कर रही हूँ रॉ मिल्क में एंड इसे अच्छे से सर्क्यूलर मोशंस में अपने फेस पे घुमा रही हूँ सो दैट जो भी डर्ट्स है हमारे पोर्स के अंदर वो अच्छे से रिमूव हो जाए एंड हमारा फेस क्लीन हो जाए एंड आगे के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे फेस स्क्रब टू रिमूव ऑल दी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। पहले हम ले रहे हैं हनी। हनी में होते हैं एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ जो आपके एक्ने को हील करने में मदद करता है एंड आपके स्किन को और सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करता है। लेमन में होते हैं विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट जो आपके स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है एंड शुगर आपके स्किन को सॉफ्टन एंड एक्सफोलिएट करेगा। सो पहले हम एक बोल में ले लेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी एंड इसमें ही आपको ऐड करना है शुगर। अगेन आप शुगर पाउडर या ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं जो और ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाएगा। अगर आप टेबल शुगर यूज़ कर रहे हो तो आपको इसे थोड़े देर साइड पे रख देना है जब तक शुगर थोड़ी मेल्ट ना हो जाए। अब इस मिक्सचर को लेके हम फेस पे अच्छे से मसाज कर लेंगे, आप नोज़ के कॉर्नर्स पे एंड जहाँ पे भी आपको ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वहाँ पे आप इसे अच्छे से मसाज कीजिए। डू दिस फॉर गुड 5 मिनट्स। अच्छे से इसे आप स्क्रब कीजिए अपने फेस पे। नाउ आई एम यूजिंग द सेम रॉ मिल्क एंड कॉटन पैड एंड इससे जितना हो सकता है मैं वो स्क्रब रिमूव कर रही हूँ। हम थोड़ा वाटर स्प्लैश करके फेस वॉश कर लेंगे एंड देन हमें लेना है स्टीम। तो स्टीम के लिए मैंने पानी पहले से ही गर्म करने रख दिया था। आपको आपका फेस कवर करके थोड़ा स्टीम अपने फेस पे लेना है डायरेक्टली सो दैट जो भी ब्लैक हेड्स है वाइट हेड्स है वो ईजिली आप निकाल पाओ। आफ्टर टेकिंग स्टीम आप ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स अपने रिमूव कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप जो कि है फेस मास्क। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा, फर्स्ट हम ले रहे हैं रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके बाद हम ले रहे हैं कर्ड। कर्ड के अंदर होते हैं गुड बैक्टीरियाज जो आपके स्किन को ग्लो देता है एंड अंदर से नरिश करता है। देन हम ले रहे हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक एक एंटीसेप्टिक है एंड लेमन। लेमन में होता है विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सो हम कर्ड के अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा रोज़ वाटर। इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर दूंगी एंड टर्मेरिक ऐड कर लूंगी। अगर आपका टर्मेरिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप थोड़ा सा ही इसका क्वांटिटी लीजिए एंड इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन अ पेस्ट कंसिस्टेंसी। सो दिस इज़ माई फेस आफ्टर रिमूविंग ऑल द ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। थोड़े एक्ने के जो मार्क्स हैं वो तो धीरे धीरे ही जाएंगे। सो नाउ दिस थिक पेस्ट मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे अच्छे से। पूरे नेक में भी मैं इसे ट्राई करूँगी कि मैं कवर कर लूँ। वेट करना है आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स तक जब तक ये पूरा ड्राई हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फेस मास्क पूरा ड्राई हो चुका है अच्छे से एंड मैंने लेमन का एक टुकड़ा बचा के रखा था, उसे पानी में डिप करके मैं इसे थोड़ा मसाज करूँगी अपने फेस पे सो दैट जो भी डेड स्किन है एंड अनवांटेड हेयर है वो थोड़े हद तक निकल सके नेचुरली। सो इसे हम अच्छे से मसाज कर लेंगे एंड जो भी टैनिंग वगैरह भी होती है इसे अच्छे से चली जाती है।
स्क्रब बाद आप वार्म वाटर से फेस वॉश कर लीजिए. डोंट यूज़ एनी सोप और एनी फेस वॉश एटलीस्ट फॉर अ डे. एंड ड्राई पैट कर लीजिए आप. एंड नाउ यू कैन सी अ सडन ग्लो ऑन माई फेस. एंड येस, ये बहुत ही ईजी टू डू है. एंड आप भी घर पर ट्राई कीजिए इस लॉकडाउन में. एंड या डू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. डोंट फर्गेट टू हिट दैट लाइक बटन. सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड या टेक केयर. बाय बाय.